यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा के अखिलेश्वर मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित करने मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री रायबरेली की दो विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आम जनमानस से रूबरू हुए और सदर व हरचंदपुर में बीजेपी के लिए समर्थन जुटाए। जिले के हरचंदपुर विधानसभा के अखिलेश्वर मंदिर परिसर के प्रांगण में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए सपा, कांग्रेस, बसपा व अन्य दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को एक जर्जर इमारत बताया और कहा कि अब ये रायबरेली में कभी भी ढह सकती है। इस बीच प्रांगण में हजारों की भीड़ मौजूद रही। उप मुख्यमंत्री हरचंदपुर के बाद सदर विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह के लिए समर्थन जुटाने के लिए शहर के मनिका मार्ग पर एक निजी लॉन में जनसभा को संबोधित किया। रायबरेली से संवाददाता राजेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। मथुरा, अलीगढ़, आज पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूँ जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूँ कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। और मैं कह सकता हूँ कि मैं रायबरेली जहाँ खड़ा हूँ, अभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा करता है और कांग्रेस में एक ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं, 100 साल पुरानी कांग्रेस, लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस जो गांधी बाबा वाली कांग्रेस थी वो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत हो चुकी है और जर्जर इमारत जो है निर्बल जो नेतृत्व के कारण कभी भी ढह सकती है, यानी रायबरेली में तो भी इस ऐतिहासिक इमारत का ढहना बिल्कुल निश्चित है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी और उनकी सहयोगी दल MIM, ये सब मिल जाए तभी अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड से तोड़ेगी और जो सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM है, तो 3 अंकों को प्राप्त नहीं करेगी। रायबरेली की सारी सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल जीतेगा, इसका संक्रांत आज हो चुका है। सर, अखिलेश जो है तो उनका कहना था कि जो गर्मी निकालने वाले हैं वो भाप बनकर खूब उड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अब उड़ कौन रहा है और धरातल पर कौन आ गया है तो स्मार्ट बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने वहाँ पर देखा होगा चेहरा, तो विपक्ष के नेताओं का चेहरा देख लीजिएगा और हमारे नेताओं का चेहरा देख लीजिए, खिले हुए योगी जी अगर दिखाई पड़े तो तमतमाता हुआ एक तेजस्वी चेहरा दिखाई पड़ेगा, और अगर आप आदरणीय जो नेता और उनके सहयोगी दल हैं उनके चेहरे से आप 2 चरण के चुनाव का अंदाज़ लगा सकते हैं। सर, अभी आपने बोला कि जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा की लहर, तो यही अखिलेश बोल रहे हैं कि अब वो तो कुछ तो बोलने के लिए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा लोगों को,